फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह जीव विज्ञान की क्लास और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, यानी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र। वहां पर हमने बहुत कुछ समझा था, ठीक। आज हम समझेंगे उत्सर्जन की क्रियाविधि। क्या उत्सर्जन की क्रियाविधि? जैसे हमने आपको बताया पिछली क्लास में कि मनुष्य या फिर मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया। तो हम आज समझेंगे यूरिया बनता कैसे है, ठीक। आज हम उसकी क्रियाविधि को पढ़ेंगे। उत्सर्जन की क्रियाविधि, ठीक, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर उत्सर्जन की क्रियाविधि की बात करते हैं तो यह दो भागों में संपन्न होती है। कौन कौन से? पहला भाग है रासायनिक भाग, और दूसरा भाग है यांत्रिक भाग। रासायनिक भाग में रासायनिक क्रियाएं होती हैं और यांत्रिक भाग में रासायनिक क्रियाएं नहीं होती। यहाँ पर साधारण प्रोसेस होती है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो उत्सर्जन की क्रिया विधि है ये दो भागों में संपन्न होती है। पहला है रासायनिक भाग और दूसरा है यांत्रिक भाग। अगर हम इसकी बात करें रासायनिक भाग की, तो रासायनिक भाग जो है मनुष्य के लीवर में संपन्न होता है। कहाँ? लीवर में, या फिर कह लें यकृत में। यकृत में पूर्ण होता है, और यह भाग मनुष्य की किडनी में। पूर्ण होता है ब्रक, ठीक। कोई दिक्कत? अगर हम इसकी बात करें लीवर की, तो मनुष्य के लीवर में है वो यूरिया का निर्माण होता है। किसका? यूरिया, यूरिया का निर्माण। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे लीवर में, या फिर कहेंगे यकृत में। और यहां पर यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण होता है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम इसकी यूरिया की बात करें, यूरिया की, तो यह दो चरणों में या फिर दो स्टेपों में संपन्न होता है। पहला स्टेप है दो चरणों में। पहला क्या है? अमीनो हरण। अमीनो हरण, अमीनो हरण क्या है? प्रोटीन का विखंडन या उसका टूटना है। पर सीधी सी भाषा में कहना चाहें कि प्रोटीन का पाचन क्या है? अमीनो हरण। अगर हम किसी प्रोटीन को लेते हैं, प्रोटीन, तो प्रोटीन का जब पाचन होगा, इसका विखंडन होगा, तो क्या मिलेगा? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ठीक। और क्या मिलेगा? NH3, अमोनिया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम बात करें कि प्रोटीन के पाचन से सीधे यूरिया नहीं बनता है, इसमें दो स्टेप हैं और दोनों रिएक्शंस अलग अलग है, एक बार में नहीं बनती यूरिया, ठीक। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरे स्टेप की, तो इसे कहते हैं यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल। इसका एक नाम और है, क्या नाम है? क्रेप्स हेंसलेट चक्र। इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि क्रेप्स हेंसलेट वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका एक नाम क्या है? क्रेप्स हेंसलेट चक्र। अब यहां पर देखते हैं, अगर हम अमोनिया को लेते हैं, दो अणु NH3, और इसकी क्रिया किससे करवाते हैं? CO2 से। CO2 कौन प्रदान करता है? लीवर, ठीक। तो यहां पर बनेगा NH2CO, NH2 और जल। कोई दिक्कत? यहां पर यूरिया यह बन चुका है, यूरिया, ठीक। यहां पर एक एंजाइम का भी प्रयोग होता है, उसका क्या नाम है? यूरिएज एंजाइम का प्रयोग होता है, तब बनता है यूरिया, ठीक। इसे आप याद रखें कि यूरिया के निर्माण में किस एंजाइम का प्रयोग होता है? यूरिएज एंजाइम का। और इसे क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल। यह सारी प्रक्रिया कहां पर होती है? लीवर में। और यहां पर ये भी दो चरणों में
दो चरणों में पूर्ण होता है। पहला ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या है, रुधिर का परानुसंधान, और दूसरा जल का पुनराशोषण। पहला रुधिर का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि ब्लड का परानिसंधान, ठीक, और दूसरा जल का पुनराशोषण, तो क्या बनेगा, यूरिन यानी कि मूत्र, ठीक। ये प्रोसेस है सारी बनने की। कोई दिक्कत यहां तक, आप बताएंगे कि अमीनो हरण और यूरिया साइकिल की जो अभिक्रियाएं हैं वो कहां संपन्न होती है, लीवर यानी कि यकृत में, और ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और जल का पुनराशोषण कहां होता है, आप बताएंगे किडनी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, ठीक। इसको हटा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। यहां तक